दिल्ली विश्वविद्यालय का जो शताब्दी समारोह है उसके समापन कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में हिस्सा लेंगे। करीब 11 बजे का वो वक्त है जब उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अलग अलग विभाग हैं, प्रौद्योगिकी संकाय, कंप्यूटर केंद्र और शैक्षणिक ब्लॉक, उसके भवन की आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखेंगे। तो एक लंबा सफर तय किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, 100 साल, एक शताब्दी समारोह का ये पूरा कार्यक्रम है। 1 मई 1922 को दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और यहाँ पर कई कॉलेजेस हैं, 90 कॉलेज हैं, 86 विभाग हैं। रविश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं। रविश, आप वहां पर मौजूद हैं। यहाँ से जो भी छात्र पढ़कर निकलता है बहुत सी यादें उसके साथ होती है। मैं भी वहां से पढ़ के निकली हूँ। बहुत से लोगों के सपने होते हैं डीयू में एडमिशन के। 100 साल एक लंबा वक्त होता है, एक सफर तय किया है डीयू ने। आज प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ होगा, बताएं वहां से, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल जया, देश भर में बहुत प्रतिष्ठित नाम माना जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षा के जगत में, और यही वजह है कि 6 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 80 से ज़्यादा जो है कॉलेजेस हैं। तो इन 100 सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफ़ी तरक्की की है, ना सिर्फ शिक्षा की उन्नत की दिशा में बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली विश्वविद्यालय का खासा प्रभावित करने वाला है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कन्वेंशन हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर 11 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री जी के पहुँचने की संभावना है। उनके साथ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, लेकिन ये वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए पूर्व छात्र हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और देश में और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने जितने पूर्व छात्र हैं उनको भी बुलाया है और यहाँ पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ नई इमारतों का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक प्रौद्योगिकी संस्थान का जो बिल्डिंग है उसका यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, कंप्यूटर लैब होगी उसमें। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लगातार सरकार की भी कोशिश है कि इसके आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए, इसकी फैकल्टी को बढ़ाया जाए, इसमें नए नए कोर्सेस को शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय ये एक फ्लैग बैरियर के तौर पर देखा जाता है, यानी एक अग्रणी संस्थान, शिक्षा संस्थान के तौर पर देखा जाता है। तो सरकार की भी ये कोशिश है। तो आज तकरीबन वो 11 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक जो ब्लॉक है उसकी आधारशिला रखेंगे, साथ में जो कंप्यूटर लैब है उसकी आधारशिला रखेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के उनको प्रधानमंत्री जी संबोधित भी करेंगे। अब देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या कुछ रहता है, लेकिन तमाम सारे जो आप देख सकते हैं कि एक आप देखिए कि पर्पल कलर का जो एक अंगोछा पहने हुए हैं, जो एक वो सारे जो पूर्व छात्र हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने खास तौर पर इनको यहाँ पर बुलाया है। तो ये तकरीबन जो है वो 11 बजे से एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा और अभी फिलहाल जो है पूर्व छात्र हैं हो चुकी है, आपके कन्वेंशन सेंटर में है, किस तरह से तैयारियां भी हुई हैं, पूर्व छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ छात्रों को संबोधित भी करेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए।